नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बीना और ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने एक जबरदस्त सर्विस के बारे में मैं बात करने आया हूं। ये है यूटीआई का डायरेक्ट पैन पीएसएफ पोर्टल। दोस्तों, आप यहां से कभी भी पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और कलेक्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये क्या होता है, यहां से आप जब भी पैन कार्ड अप्लाई करोगे 3 से 4 दिनों के अंदर आपका पैन कार्ड आ जाएगा। दोस्तों, चलिए मेरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले दोस्तों, जो अभी तक आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को लाइक कीजिए और नीचे रहता है जो बेल आइकन, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए जाते हैं मेरा वीडियो पे। जो दोस्तों, ये है पैन कार्ड का पोर्टल, यूटीआई पैन कार्ड पैन पीएसए का पोर्टल है। चलिए दोस्तों, इसको मैं लॉग इन कर लेता है और देखते इसके अंदर क्या क्या सर्विस होता है, क्या क्या काम कैसे काम करता है। ठीक है, ये सब कुछ देख लेते हैं। ये है दोस्तों यूटीआई का पैन पीएसए पोर्टल का लॉगिन पेज। ये देखिए दोस्तों, आप जब भी यहां से पैन कार्ड अप्लाई करोगे तो उसका पहले आपको एक छोटा काम करना होता है। वो काम क्या है दोस्तों, आपको ये पैन कार्ड यूटीआई पैन पीएसए पोर्टल को लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों, नीचे वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रजिस्ट्रेशन लिंक रहेगा, वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए तो जल्दी से जल्दी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग काम शुरू करते हैं। ये दोस्तों फ्रॉम 49A सर्विस, इसमें जाके आपको पहले क्या करना है, प्री फॉर्म एंट्री करना है। ठीक है, प्री फॉर्म एंट्री कैसा होता है, आपको ये फॉर्म, पहले एक बात बोल देते हैं दोस्तों, ये पोर्टल को काम शुरू करने के लिए पहले आपको कूपन लेना होता है। ठीक है, वो कूपन कैसे लेगा, क्या करेगा, सब कुछ वो रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए, उसका बाद मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा, वैसे आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको कूपन दे देता हूँ। ठीक है, और ये पैन कार्ड का कूपन को एक एक कूपन आपको 98 रुपए में मिलेगा, जो अभी तक बहुत ही सस्ता है दोस्तों। इसी से कम कभी तक नहीं मिल सकता आप लोग। चलिए दोस्तों, मैं हम लोग प्री फॉर्म एंट्री में जाते हैं। ये है दोस्तों आ रहा है, हमारा इधर नेट बहुत स्लो चल रहा है इसीलिए थोड़ा लेट आ रहा है। दोस्तों, ये देखिए प्री फॉर्म एंट्री, इसमें आपको क्या करना है, पहले बोथ फिजिकल एंड ई पैन कार्ड, इसको आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसका बाद इसमें टाइटल सिलेक्ट करना होता है, जो मेल के लिए श्री ये टाइटल, फीमेल के लिए SMT, SMS और कुमारी। ठीक है, ये सभी टाइटल है, इसको सेव करने सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, मान लीजिए मैं एक टाइटल सेव सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद इसका लास्ट नेम, मतलब आपका जो नाम है उसका नाम का लास्ट नेम आपको लिखना होता है, उसके बाद आपको फर्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद जब भी आप यहाँ पे लास्ट नेम फर्स्ट नेम डालोगे तो यहाँ से आपका पूरा नाम आ जाएगा। चलिए एक नाम लिख लेता है मैं, ये देखिए, ये जब भी मैं लास्ट नेम और फर्स्ट नेम डाल दिया इसमें, यहाँ पे भी ऑलरेडी आ गया ये राम यादव। ठीक है, और इसमें आपका जो जेंडर है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा जब भी आप इसको टाइटल को सिलेक्ट करेगा। तो उसके बाद क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ, उसको जो आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ रहता है उसको ही यहाँ पे एंट्री करना होता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इसको लिख दिया। उसके बाद क्या करना होता है, इसमें आपका पैन कार्ड में आपका मदर का नाम लिखेगा, नहीं तो आपका फादर का नाम आएगा, कौन सा आएगा ये आपको पहले चूज करना होता है। तो मदर का नाम के लिए आपको यस करना होगा और फादर का नाम के लिए आपका नो करना होता है। ठीक है, उसका बाद यहाँ पे फादर नेम डाल दीजिए, फादर का नाम भी डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे उसका बाद रेसिडेंट स्टेट, इसको सिलेक्ट करना होता है। रेसिडेंट स्टेट क्या होता है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट को यहाँ पे लिखते हैं, मतलब जो आपका पास जो कस्टमर आएगा, जो पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने आएगा, वो कस्टमर का जिस स्टेट में रहता है उस स्टेट का यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद
ऑफिस स्टेट, ऑफिस स्टेट भी सेम भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको बाद यहाँ पे जाके कौन सा एड्रेस आपको पैन कार्ड आना है, कौन सा लेके आना है, कौन सा एड्रेस में, रेसिडेंस एड्रेस ना ऑफिस एड्रेस। आप ऑफिस एड्रेस में लेना चाहते हो तो ऑफिस एड्रेस डालना होगा उसमें, और रेसिडेंस एड्रेस को एड्रेस में आप पैन कार्ड ले आना चाहते हो तो अब जो आधार कार्ड में जो पैन कार्ड जो एड्रेस रहेगा उस एड्रेस पे पैन कार्ड आ जाएगा, ठीक है। उसका बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है, जो आधार कार्ड का नंबर डालने के पहले इसको क्लिक करना होता है। उसका बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए, उसका बाद यहाँ पे चेक आधार डिटेल्स, ठीक है। जो पहले एक बार आधार कार्ड डालने के बाद फिर दोबारा आपको आधार डिटेल्स और फिर से डालना होता है। उसके बाद चेक आधार करेगा तो ये कैसे, ये क्या होता है दोस्तों चेक आधार, कोई भी आदमी आपका पास पहले आया, जो आपका पास आया वो आदमी पहले किसी और जगह से पैन कार्ड अप्लाई किया लेकिन उनका पैन कार्ड बन चुके हैं लेकिन अभी तक आया नहीं वो पैन कार्ड, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो वो आदमी का पैन कार्ड पहले से है कि नहीं है। नहीं है तो आप यहाँ से देख आपको मिल जाएगा, जो ऐसे कर आपको यहाँ से मिल जाएगा, और है तो पहले से कोई आधार कार्ड है तो आप उसका कूपन नंबर, जिस कूपन के अगेंस्ट आधार कार्ड पैन नंबर जेनरेट हुआ वो कूपन नंबर आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसका बाद क्या होता है, यहाँ पे जो नाम होता है, जो नाम आपका आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम इसमें डालना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करना होता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस को भी आधार कार्ड ही सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। उसका बाद यहाँ पे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पे मेल आईडी, ठीक है। जिस मेल आईडी आप कस्टमर का मेल आईडी भी दे सकते हैं, आप आपका भी मेल आईडी दे सकते हैं। जिस मेल आईडी आप यहाँ से यहाँ पे देगा उस मेल आईडी पे आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपको ई पैन कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कार्ड डिस्पैच एड्रेस, हम लोग पहले रेसिडेंस एड्रेस चूज किया, इसके लिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस को हमको चूज करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंडिया से तो हमको इंडिया को चूज करना होता है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है कार्ड बैच टाइप वो नॉर्मली रहेगा, उसके बाद इसको सबमिट कर देना होता है, ठीक है। और सबमिट जब भी कर दोगे आपका जो कूपन है वो कूपन का अगेंस्ट आपको एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। वो रिसिप्ट आप कस्टमर को प्रिंट करके भी दे सकते हैं, आपका पास भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना होता है, पहले प्री फॉर्म एंट्री करने के बाद आपको जो करना होता है वो मेन फॉर्म एंट्री, यहाँ पे देखिए दोस्तों मेन फॉर्म एंट्री, ये मेन फॉर्म एंट्री आपको फिलअप करना होता है। क्या है दोस्तों, वो प्री फॉर्म में तो सब कुछ नहीं डाल सकते ना आप, अब एड्रेस वगैरह कुछ भी तो प्री फॉर्म में नहीं है, प्री फॉर्म में सिर्फ नाम, आधार नंबर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फादर का नाम, ठीक है, ऐसे आप डाला। तो उसके बाद आपको जाना है मेन फॉर्म एंट्री, मेन फॉर्म एंट्री में जब भी आप जाएगा तो जो कूपन आप अप्लाई किया था, जो कूपन के अगेंस्ट आप पैन कार्ड अप्लाई किया वो कूपन का डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा, उस कूपन के ऊपर क्लिक करके सारी डिटेल्स आपको एंट्री करना होता है, जब भी जो आपका एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, ठीक है, इस ये सब कुछ आपको एंट्री करना होता है। उसके बाद उसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। और सबमिट करने के बाद आपको दोस्तों उसका बाद जाना है अपलोड डॉक्यूमेंट, ये देखिए इसका मेन फॉर्म एंट्री के बाद ही है अपलोड डॉक्यूमेंट, वहाँ पे जाके इसको आप जो भी कूपन नंबर आप जनरेट हुआ वो कूपन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, उस कूपन नंबर के ऊपर क्लिक करके आपको जो फॉर्म है 49A का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों भी, ठीक है, स्कैन करके और आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड स्कैन करके एक PDF फाइल बनाना होता है, वो PDF फाइल के अंदर अटैच करके यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है उस पर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद है फोटो आपको अटैच करना होता है। उसके बाद सिग्नेचर क्या होता है दोस्तों, सिग्नेचर है आपको ब्लैक एंड व्हाइट में 600-600 DPI का आपको स्कैन करना होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो जो सिग्नेचर है बहुत अच्छा से अच्छा ठीक से आते हैं पैन कार्ड में, और जो फोटो है वो फोटो को आपको 300 रेजोल्यूशन में आपको स्कैन करना होता है, और 213 पिक्सल और 213x213 पिक्सल में वो फोटो को सेट करना होता है, ठीक है। ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, वो अलग से आपको जब भी आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करोगे ना तो मेरा पास से एक लिंक आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जहाँ से आपको कोई ऐसे ऐसे काम को आपको नहीं करना होगा, वो डायरेक्ट आपको फोटो वहाँ पे अपलोड करेगा तो आप वो 213 पिक्सल और 213 पिक्सल का फोटो बन जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। सिर्फ आपको स्कैन करना होगा, ठीक है,
तो उसके बाद अपलोड कर दिया, उसके बाद आपको जो करना होता है वो एक बैच जेनरेट करना होता है, ठीक है। तो बैच आप जब भी जेनरेट करोगे ना, उसके बाद तुरंत आपको पैन कार्ड का जो सिस्टम है, जो ऑफिस है, उसको वापस चल जाएगा आपका पूरा डिटेल्स जब भी आप जो आप अपलोड किया है। और तब वो लोग क्या करेगा, मान लीजिए आज आप पैन कार्ड को पूरा कंप्लीट किया, एक पैन कार्ड को आज से लेके 3 से 4 दिन के अंदर आपका मेल पे वो ई पैन आ जाएगा। और फिजिकल पैन वो कभी 10 से 15 दिन लग जाता है, कभी 20 दिन लग जाता है, ठीक है, वो एड्रेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स आपका 10 से 15 दिन का अंदर ही फिजिकल पैन कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये जेनरेट बैच इसको सिलेक्ट करना होता है। इसको सिलेक्ट करके आप जो इसमें जो कूपन का डिटेल्स होता है उसको सिलेक्ट करके आपको बैच को जेनरेट करता है, ठीक है। ऐसे ऐसे काम है दोस्तों। और ये तो 49A सर्विस और CSF सर्विस, ये भी दोस्तों सेम ही सर्विस है। आप CSF पैन फॉर्म में जब भी जाएगा तो उसको एक अलग से एक स्टेप ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स यहाँ से पैन नंबर, यहाँ से बोथ फिजिकल एंड पैन कार्ड, ठीक है। उसके बाद कौन सा डिटेल्स आपको करेक्शन करना होता है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी करेक्शन करना होता है उसको साइड में आपको क्लिक करके यहाँ पे डाल के, और डॉक्यूमेंट्स आपको सिलेक्ट करके एड्रेस भी डाल के आपको ये सबमिट कर देना होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप जब भी आपके पास ये पैन कार्ड का ऑप्शन नहीं है और है तो इतना कम दाम में आपको कूपन नहीं मिलता है, तो दोस्तों आप मेरा जो वीडियो का नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा उसके अंदर मेरा रजिस्ट्रेशन का लिंक रहेगा, आप वहाँ से लिंक को क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका साथ मैं ही खुद से कॉन्टेक्ट कर लूँगा, और आपको कूपन जो चाहिए, ठीक है, वो 98 का एक एक कूपन आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप जितना कूपन ले सकते हैं, आपको कोई ज़रूरी नहीं है जो इतना कूपन लो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। और एक बात दोस्तों, ये पैन कार्ड का पोर्टल लेने के लिए कुछ भी पैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा ये पैन कार्ड का जो कूपन है, पोर्टल है, ठीक है, ये टोटली फ्री में मिलता है दोस्तों, ठीक है। ये हम लोग आपको फ्री में देता है, तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और पैन कार्ड का काम चालू कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों जाने के पहले फिर से मैं आपके पास रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को जो अभी तक आपको सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, तो दोस्तों एक वीडियो के इतना कष्ट कर रहे हैं हम लोग, तो आप प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय, थैंक यू।